भेड़ियों ने पिछले 48 दिनों में 10 लोगों को शिकार बनाया, इसमें ज्यादातर मासूम बच्चे और बुजुर्ग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों को लेकर अब गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, टीम बहराइच में भेजी गई है। साथ ही योगी ने कहा है कि हर हाल में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, उसके आतंक को खत्म किया जाए। बहराइच में नहीं रुक रहा भेड़ियों का आतंक। वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया जारी। आखिर कब तक पकड़ा जाएगा आदमखोर? आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच में पिंजरा लग चुका है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं बहराइच से 120 किलोमीटर दूर लखनऊ में सीएम योगी पूरे ऑपरेशन का अपडेट ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाए। मौके पर वन विभाग की टीम अपने साजो सामान के साथ अलर्ट मोड पर है। बहराइच के इन्हीं घने जंगलों में ऑपरेशन भेड़िया वन विभाग और जिला प्रशासन लगातार जारी रखे हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल ये घने जंगल हैं, गन्ने के लंबे लंबे खेत हैं, और इन्हीं खेतों में प्रशासन को, वन विभाग को, जिला पुलिस को और स्थानीय लोगों को आना है और इन घने जंगलों में भेड़िए को ढूंढना है। लेकिन इन घने जंगलों में आकर के भेड़िए को ढूंढना अपने आप में किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। वो अलग बात है कि प्रशासन के पास न सिर्फ अच्छे लाइट्स हैं, अच्छे उनके पास कैमरा है, बल्कि ड्रोन कैमरा इस तरीके के हैं जो कि रात में भी विजुअल करते हैं उन सभी जानवर को जो दरअसल कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर आकर के छिप जाते हैं। लेकिन इस तरीके के घने जंगल, इस तरीके के घने इलाके अपने आप में प्रशासन को और वन विभाग को मजबूर करते हैं ऐसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए और इस तरीके के आदमखोर भेड़ियों को गिरफ्त में लेने के लिए। भेड़ियों ने 48 दिनों में अब तक करीब 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रविवार रात में भेड़िए के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि दो महिलाएं घायल हुई थी। बच्ची के घर के अलावा 300 मीटर के दायरे में कुल तीन घरों में सोमवार को भेड़ियों ने टारगेट किया था। बच्ची के पिता समय कमल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कमल, कैसे आप लोग को जानकारी मिली कि भेड़िया बच्ची को उठा लिया? हमने सवेरे देखा, जब भगा वो तो हमने अपनी बेटी को देखा, जब नहीं पाया तो उसके पीछे भगे, और जब यहाँ घर के सब रोने लगे तब गाँव के तले वहाँ गन्ना मंझा रहे थे। अब अकेले कहाँ, पूरा गन्ना मंझाए ना अकेले, लेकिन अकेले कौन उपाय रहे। जब गांव के आए तो सब ऐसी सी देखी, इसके बाद वही सब आई गए। जब कैमरा वाला है तब देख पावा है, तब गेहन लग गया पकड़ कल लेके आए हैं, बहुत लग गया था वहाँ थैलिया तक लेके ले गए हैं। जब छुड़ा पाए तब लेके आए हैं घर। एक किलोमीटर तक यहाँ से घसीट के लेके गए? तीन किलोमीटर कम से कम। ग्रामीण खुद लाठी डंडा हंसिया लेकर खेतों में भेड़ियों को खोज रहे हैं ताकि उनको पकड़ा जा सके। जैसे जैसे ग्रामीणों को ये जानकारी मिलती है कि भेड़िया कहीं हो सकता है, आप देखिए कि लोग अपने हाथों में, ग्रामीण अपने हाथों में लाठी डंडा और जो भी उनके हाथ में है पैना, उन सब को लेकर के जा रहे हैं, तेजी से शोर मचा रहे हैं। और किस तरीके से ग्रामीण देखिए जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भेड़िया कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, इस बात की जानकारी को देखते हुए फिलहाल जो ग्रामीण अपने अपने इलाकों में अपने अपने जहां पर जाकर के कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में अब इस नरभक्षी भेड़िये को नहीं छोड़ना है। वन विभाग की टीम बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चला रही है। कई किलोमीटर के इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को भरोसा है कि बचे हुए दोनों भेड़िये जल्द पकड़े जाएंगे। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बहराइच में इस समय लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन भेड़िया। क्षेत्रीय वन अधिकारी हमारे साथ मोहम्मद साकिब साहब मौजूद हैं, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति बन रही है, जो दो भेड़िया बाकी हैं, क्या लगता है कब तक पकड़ में आ जाएंगे? कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी, तो एक दिन में हम लोग अगर लोकेट हो गए आज तो आज ही। लास्ट क्या माना जाए सर, कि लास्ट ये लोग कब दिखे थे? लास्ट तो आज सुबह दिखे थे, मॉर्निंग में, जब वहाँ पे बच्ची को उन्होंने इसी गाँव में खा लिया था। जी, मॉर्निंग में दिखे थे।
जो अभी की सर सूचना है उसके आधार पे आप लोगों ने जब ट्रैप लगाया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि देख सकते हैं भेड़िए कुछ सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं? जी अभी तो नहीं नजर आ रहे हैं, कोशिश है लगातार कंटिन्यू ड्रोन उड़ रहे हैं और यही है कि अगर जैसे दिखता है वैसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जिन गांव में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई हैं, वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोएं या छतों के ऊपर सोएं, कोई खुले में ना सोएं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, केवल एक दिक्कत आ रही है कि 100 से अधिक राजस्व ग्राम है और हर बार ये जो है अपना गांव नया बदल लेते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। भेड़ियों के आतंक को देखते हुए सीएम योगी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की और तत्काल भेड़ियों के हमले को रोकने और उन्हें पकड़ने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।